बीवी के साथ बदलते भारत की शान। गांव में सब कुछ कितना बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। क्यों? उन्नति सिर्फ विदेश में ही हो सकता है, हमारे देश के गांव में नहीं। निर्माली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? हमारे गांव में कुछ घर बैठे आमदनी के बहुत सी सुविधाएं आ रही है, और अब काम के लिए लोगों को बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। चलो अच्छा है। चलो वहां चलते हैं। गांव में भी स्ट्रीट लाइट कितना बदल गया है ना। कपिल। हाँ। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। गुड बॉय। चाचा आप कहाँ गए थे? बस यूं ही अपने दोस्तों के घर गया था। चाचा चाचा क्या आप मुझे स्कूल छोड़ने जाओगे? हाँ बाबा जरूर। पता है? हाँ। तुम्हारे स्कूल में? हाँ। तुम्हारे पिताजी, मैंने और मेरे जितने भी दोस्त, हाँ, सभी ने पढ़ाई की थी, और मुझे आज भी याद है स्कूल के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की थी, और हमारे स्कूल में, हाँ, एक बहुत बड़ा सा मैदान था। चाचा वो मैदान अभी भी है। अच्छा कपिल, ये सब बात छोड़ो, तुम अभी जल्दी से पढ़ाई करो, नहीं तो करंट चला जाएगा। हाँ? आपको नहीं पता क्या आजकल करंट नहीं जाती? अच्छा जयंत, आओ आओ बैठो। कैसे हो? ठीक हूँ, आओ बैठो। और निर्माली, विपुल की क्या खबर है? सुना है वो अमेरिका से गांव घूमने के लिए आया है। जयंत तुम बहुत ही खुदगर्ज हो। क्या मतलब? मतलब और क्या, अरे मेरे खबर पूछने के सिवाय तुम विपुल के खबर पूछ रहे हो? ओ, इसका मतलब दोनों के बीच में प्यार का अभिमान चल रहा है। मतलब क्या? मैं कुछ नहीं समझी। मैं बचपन से ही निर्माली और विपुल को जानता हूँ, विपुल का जो खबर निर्माली की भी वही खबर है। पता है, सभी यही कहते हैं विपुल और मेरी दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन उसमें प्यार है या नहीं मुझे पता नहीं।
क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? चलो निर्मली, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जिसे देखकर शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। चलो, कुछ याद आया तुम्हें? निर्मली, तुम्हें याद है इस जगह में तू, मैं और विपुल कितने खेले थे? हाँ हाँ जयंत, मुझे सब कुछ याद है। मैं ये बॉल दूर तक फेंकूंगी, जो पहले ये बॉल ला सकेगा उसे मैं ये चॉकलेट दूंगी। अभी मैं दूर फेंकूंगी। इसने चीटिंग किया है। मैं नहीं जानती, जिसने मुझे बॉल ला के दिया उसे ही मैं चॉकलेट दूंगी। निर्मली निर्मली मत रो, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब मैं तुमको एक नई सी फ्रॉक खरीद के दूंगा। विपुल ने मुझसे कहा था कि वो बड़ा होकर मुझे एक अच्छा फ्रॉक खरीद के देगा। जयंत, क्या हुआ? नहीं नहीं, याद आया। आज सच में बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताजा हो गई। चलो बैठो। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जयंत से मिली हूँ, उसी की गाड़ी से मैं घर पहुँचने वाली हूँ। ठीक है, मैं उसको साथ लेकर जाऊंगी। कुछ भी नहीं बदला माँ, घर आने से खुद ही देख लेना। जानती हो वो फ्लैशबैक में पहुँच गया था। हाँ ठीक है। हाँ जयंत, तुमने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। इंजीनियर की नौकरी रिजाइन देकर मैं गांव आ रहा हूँ। अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, साथ में गांव के लोगों के लिए रोजगार का कुछ काम देना चाहता हूँ। अब तो हमारा गांव बहुत आगे बढ़ गया है। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी जमेगी। लेकिन अचानक ये बदलाव क्यों? अचानक कहाँ, मेरा तो यही सपना था, पढ़ लिख कर कुछ बनूं और अपने गांव के लिए कुछ करूं। मेरी गांव मेरी शान है। ओ विपुल, सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? कपिल को स्कूल छोड़कर आता हूँ। वो बहुत दिन हो गए स्कूल को देखे हुए। कपिल आजा। चाचा मैं तैयार हो गया। बढ़िया बढ़िया, ठीक है जाओ, बाय बाय। आज मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा, खाएगा ना? हाँ।
मैं कम इन सर। यस कम इन सर। नमस्ते। अरे विपुल। हाँ। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सर। कैसे हो सर? बिल्कुल अच्छा, आप ठीक है? बस ठीक हूँ सर। मैं देख रहा हूँ हमारा पुराना स्कूल अब बिल्कुल नहीं रहा और रहना भी नहीं चाहिए। याद है उन दिनों हमारे स्कूल में एक पंखा भी नहीं होते थे, साफ टॉयलेट नहीं होते थे, हाथ धोने के लिए साफ पानी भी नहीं होते थे। कितना बीमार रहते थे हम। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साफ सफाई पर्यावरण जरूरी है। मैं अपने सरकार का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मिड डे मील और स्कूल की साफ सफाई में विशेष ध्यान देते हैं। इसका मतलब बीस बीस में लोग इंस्पेक्शन के लिए आते हैं? हाँ, स्कूल इंस्पेक्टर हर 3 महीने में आते हैं। सर हमारे टाइम पे तो इतने सारे पेड़ पौधे ही नहीं थे। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस में हम बच्चे को पेड़ लगाने के लिए उत्साहित करते हैं। हाँ हाँ। सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि घरों में और रास्ते के किनारों में पेड़ लगाने के लिए मैं उत्साहित करता हूँ। बो? ओ, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो बिपुल? हाँ, थोड़ा भैया के मीटिंग में जाना है। ओ, ठीक है जाओ। हाँ, चलता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज यहाँ गांव के लोग एक कथा हुए हैं। ग्राम पंचायत का जो नया नया योजना है उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए। आप सभी पीएचसी में जाके 3 तारीख को पोलियो वैक्सीन लेके 5 साल के बच्चे नहीं तो छोटे बच्चे को भी ये वैक्सीन दिलवा सकते हैं। दूसरी बात, ग्रामीण बैंक में अभी तक आप लोगों ने कोई अकाउंट खुला ही नहीं। भारत बस का प्रधानमंत्री का ये योजना आप लोगों को देने के लिए हम लोग आए हैं और ग्रामीण बैंक से बहुत ही लोन और सब्सिडी देते हैं। ये लोन और सब्सिडी लेके आप लोग नए नए काम शुरू कर सकते हैं, नए नए योजना के बारे में सोच सकते हैं। हमारी मास्टरनी दीदी इतनी ध्यान से क्या पढ़ाई कर रही है? अरे तू इधर बैठ। अच्छा तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। दरवाजा बंद करके आती हूँ। आज आने में इतना वक्त क्यों लगाया? अरे घर में इतनी सारी काम है, वो सब कौन करेगा? तू अब वो सब चोर, पहले ये बता मुझे क्यों बुलाया? अच्छा सुनना, तेरे साथ बहुत सारी बातें हैं। तू अरूप से कितना प्यार करती है? क्यों, तू क्या मुझसे भी ज्यादा अरूप को प्यार करती हो क्या? या फिर प्यार ट्रांसफर करना चाहती हो? मैं अगर विपुल को छोड़कर जैन से शादी कर लूं तो तुझे कैसा लगेगा? मतलब तूने ठीक ही सुना है, विपुल के साथ शादी करके अमेरिका जाने से तो अच्छा है जयंत के साथ शादी करके मैं गांव में ही रह सकती हूँ, गांव के लिए कुछ कर सकूं। तू तो विपुल से प्यार करती है ना? शायद करती हूँ। फिर? कोई तो फिर नहीं है, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये सब तेरी निजी मामला है, मैं तो तुझे सिर्फ यही कह सकती हूँ कि तू जो भी करना सोच समझ के करना। सोचने को क्या है, तू तो जानती है जयंत मुझसे कितना प्यार करता है। अब तक उसे पता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, फिर भी उसके मन में मेरे लिए कोई खेद नहीं है।
अच्छा ही होगा। तू जयंत के साथ शादी करने के बाद कम से कम गांव के लिए कुछ कर पाएगी। लेकिन मेरी अमेरिका जाने की ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। पगली। अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और ले डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मीटिंग में क्यों नहीं आए निर्मली? तुम तो अभी स्कूल में थी ना, यहाँ कब आई? आज मीटिंग के लिए हाफ डे लिया था। आओ बैठो। तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? क्या निर्मली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ताकि मैं भी एक एनआरआई की बीवी कहलाऊं। लेकिन यहाँ तुम कुछ खास नहीं कर पा रही हो, एक स्कूल टीचर हो, विदेश में भी स्कूल टीचर बन सकती हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुमने स्कूल में पढ़ाते हुए तो देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि स्कूल में कौन से बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ विपुल, मैं समझती हूँ। स्कूल के माध्यम से हमारे स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारियाँ हैं कि मैं भी इस स्कूल के लिए कुछ करूँ। यस, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ।
निर्मली तुम, व्हाट ए सरप्राइज, आओ बैठो। तुम्हारे साथ मेरी कुछ बात है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला निर्मली। मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन विपुल, वो भी तो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तो विपुल की तरह इतना हैंडसम और एक एनआरआई भी नहीं हूँ। मुझे आज तक पता नहीं चला कि मैं विपुल को चाहती हूँ या नहीं। थोड़ी ही देर पहले मैंने विपुल की शादी का प्रस्ताव इनकार किया। इसका मतलब तुम मुझ पर दया कर रही हो? नहीं, बल्कि इससे मुझ पर तुम्हारा एक एहसान होगा। विपुल के साथ मेरी मन और सोच मिलती जुलती नहीं है। जहाँ मन का मेल नहीं, वहाँ प्यार कैसे हो सकता है? मेरे साथ तुम्हारी सोच कहाँ मिलती है? मेल जरूर है जयंत, गांव के लिए मेरी तरह तुम्हारे मन में भी बहुत सारा सपना है। सच में निर्मली? हाँ हाँ जयंत, सच में। डियर बिल, कैसे हो? शायद अच्छे। मैं यहाँ मेरे घर छुट्टियों में आकर बहुत ही आश्चर्य हूँ। मैं मेरे गांव के बारे में क्या क्या जानता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं मेरे गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बचपन के गांव और अब मेरे गांव में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा गांव कितना बदल गया है। चारों तरफ उन्नति के ज्वार देखने को मिलते हैं। गांव के सभी लोगों के हाथ में काम है और सभी लोग उन्नति के इस अभियंत्र में साथ साथ काम कर रहे हैं। निर्माली ने मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात पर दुख नहीं है, बल्कि गर्व है कि निर्माली अपनी स्कूल, मतलब हमारी स्कूल के लिए कितना कुछ करना चाहती है। मैं निर्माली के आंखों में वो सपने देखकर बहुत ही खुश हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत ही खुशी मिला है, इतनी खुशी कि शायद मैं शब्दों में भी बयान ना कर पाऊँ। अब मैं शांति से अमेरिका वापस जा सकूँगा। अगली बार तुम्हें भी मैं अपने गांव दिखाने लेकर आऊँगा, आओगे ना? मेरा गांव अब मेरा शान है। अलविदा।